Hey guys, सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन कलेजी, जो बहुत ही टेस्टी होता है। तो इसका टेक्सचर, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो आप एक बार ट्राई जरूर करें हमारे स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, हमने कलेजी लिया है चिकन का, तो ये 1.5 किलो कलेजी है। तो हमारे घर में कोई खाने वाला नहीं मेरे अलावा, सिर्फ हमारे बच्चों को पसंद नहीं है, हमारी वाईफाई को भी पसंद नहीं है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा जो है नींबू का रस डालेंगे और थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नमक नहीं डालना है, बस काम भर का एक चुटकी डालिए और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, नींबू और नमक चारों तरफ इसमें लग जाना चाहिए। तो अब हम इसको रख देंगे 1 घंटे के लिए, ताकि इसमें जो बास आती है, जो इसका जो खुशबू है, खुशबू नहीं बास ही बोलेंगे, वो निकल जाए। तो चलिए हम इसको रख देते हैं 1 घंटे के लिए। और सेकंड स्टेप है हमारा जो ये, हमने ले लिया नमक 1/2 चम्मच से थोड़ा कम है, और 1/2 चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है, और 1 चम्मच जो है धनिया पाउडर है, और 1/2 चम्मच जो है गरम मसाला है, और थोड़ा सा 1/2 चम्मच से भी आधा जो है हम हल्दी लिए हैं, हल्दी पाउडर। और उसके बाद हमने लिया कोथमीर, और ये हरी मिर्ची है 3 अदर ले लेना, अक्खा लेना है, कटिंग नहीं करना है। और चॉप किया हुआ टमाटर लिया हमने, 1 टमाटर है, और 1 छोटा सा कांदा चॉप किया हुआ। तो हमारा थर्ड स्टेप है, जो हमने मसाला लिया है गोल मिर्च है, और ये खसखस है, और ये जावित्री का फूल है, और ये दालचीनी है। तो हमारा जो कलेजी ना बहुत कम है, तो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा लिया है। तो आप ज़्यादा कलेजी लेंगे, मतलब 1/2 किलो लेंगे, तो इसका डबल कर लीजिएगा। तो ये इलायची है, छोटी इलायची 2 अदद है, और ये लौंग है, और ये तेज़पत्ता है। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम पीस लेंगे ग्राइंडर में, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए हम इसको सबसे पहले ग्राइंडर में पेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई चढ़ा देंगे स्टोव पे। तो हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच जो है ऑयल, और इसमें ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ कांदा। हम इसको जो है 20 से 30 सेकंड तक जो है इसको थोड़ा फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस 20 से 30 सेकंड। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे तेज़पत्ता और अदरक लहसुन का पेस्ट। तो हमारा हो गया है 20 से 30 मिनट कंप्लीट। तो अब हम डाल देंगे तेज़पत्ता और अब हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। तो हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो गया रेडी। अब हम इसमें डाल देंगे सारे मसाले, और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, और इसको हम 2 से 4 मिनट तक पकाएंगे, ताकि हमारा मसाला पूरा परफेक्ट रेडी हो जाए। हमने इसमें पानी जो है ऐड कर दिया है, और उसको थोड़ा देर पकाएंगे, ताकि जो हमारा मसाला परफेक्ट रेडी हो जाए। तो हमारा मसाला हो गया है रेडी, देखिए तेल अलग हो गया है, मसाला अलग। और हम इसमें डाल देंगे जो है कलेजी, और ऊपर से डालेंगे हम टमाटर चॉप किया हुआ टमाटर। तो अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया डाल के टमाटर और कलेजी को, और अब इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे वाटर और पकाएंगे 4 से 5 मिनट तक। तो सारे मसाले को कलेजी ऑब्जर्व कर लें अच्छे से, ताकि खाने में टेस्ट बढ़ जाए। तो ऐसा टेस्ट बने कि आप जो कलेजी बनाएं कभी ज़िंदगी में भूल ना पाए। तो हम ऐड कर देंगे वाटर और हम ढक के रख देंगे इसको।
तो हमने पकाया 5 मिनट तक, और हम इसमें डाल देंगे वो पेस्ट जिसको हमने बनाया था, और हरी मिर्ची डाल देंगे ऊपर से, और ऊपर से जो है कोथमीर, और हम इसको रख देंगे ढक के, और हम इसको पकाएंगे 5 मिनट तक। तो फाइनली हमारा कलेजी रेडी हो चुका है, और इधर चलिए हम इसको सर्व करते हैं, देखते हैं कैसा है खा के। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में भी हमारे चैनल का लिंक भेजिए, और उन्हें बोलिए हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।